दोस्तों, पाठशाला के हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि चीज़ें अब स्टार्ट कर दी गई हैं, आपके लिए फ्री कंटेंट आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे चीज़ मैंने सोची हुई हैं कि क्या क्या आपके लिए लाना है जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए एकदम बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आपका बस एक काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और मुझे क्या करना चाहिए। पेपर टू की जो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ अपने हिसाब से, जो भी मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंसेस है BPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पीटी वाले में, ठीक है, वो सारे चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे जो क्वेश्चन यहाँ आते हैं, प्रीवियस ईयर के बेस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऑप्शन से आप कैसे देख कर समझ सकते हैं कि इन ऑप्शन पे भी क्वेश्चन जो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का क्रक्स मैं आपको पेपर टू में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो तो मैं आपको दूंगा ही, साथ ही साथ जो माध्यमिक वाला हो गया, उच्च माध्यमिक हो गया, उसमें मैं आपको एक सामाजिक अध्ययन वाले में हेल्प कर दूंगा और वहाँ पे हिस्ट्री में कर दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री से मेरा नेट और JRF दोनों क्वालिफाइड है। और यहाँ पर BPSC PT की रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 3 times मेन्स और 1 times इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस है, तो आप अपने हिसाब से भी आइडिया दें कि मुझे एक मैं जो सोच रहा हूँ, जैसे कि लूसेंट को फ्लुएंटली आपको मतलब पढ़ाते चले वहाँ से, लूसेंट से, और बाकी तो जो मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रिक और टिप्स वहाँ पे सब आपको दिया जाएगा। ठीक है, ट्रिक्स के हिसाब से जो भी, जैसे कि आपको हिस्ट्री से रिगार्डिंग जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, जैसे कोई कोई टॉपिक्स हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होगा, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स का जो टॉपिक है उसमें किसने किस कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, कब की, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वायसराय हैं, जो गवर्नर जनरल हैं, उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ वो सब पूछे जाते हैं। गांधीन एरा है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। INC से पहले के ऑर्गेनाइजेशन, INC के बाद के ऑर्गेनाइजेशन, उनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं ट्रिक वाइज भी आपको बता दिया करूँगा, कैसे मैंने अपने आप को मतलब मैंने कैसे इस चीज़ को याद किया, कैसे इस चीज़ को समझा। बहुत सारे चीज़ तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, बहुत सारे जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होते हैं वो भी मैं आपको याद करा दूंगा, बहुत सारे चीज़। ठीक है, लेकिन बहुत जगह पे आपको मेहनत भी करनी होगी, मतलब 50-60% मैं आपको ऐसा यहाँ पे, जैसे कि करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया, वहाँ पे भी मैं 50-60-70% आपको बस वीडियो देखेंगे मेरा तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। जो भी करंट अफेयर वाला पार्ट होगा वो आपको BPSC में भी काम आएगा, बिहार पुलिस में भी काम आएगा। ठीक है, और अदर कोई भी मतलब PCS लेवल पे भी जो एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं करंट के रिलेटेड, तो करंट वाला मेरा टॉपिक आप देख के समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ कैसे पढ़ाने का तरीका। तो आपको जो भी सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, एकदम चैनल को बस सब्सक्राइब करना आपका काम है और जो जो चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही हैं उनको करते रहें। और मैं इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है, आप अपने सब्जेक्ट पे अपना ध्यान रखें, कैसे कैसे करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप अपने तरफ से अपने सब्जेक्ट को पकड़ कर रखें, पेपर टू की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो चलिए आज उसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। देख सकते हैं दोस्तों, पहला यहाँ जो BPSC पहले तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसको जल्द से जल्द रैप अप करके आपको एक मतलब जो बड़ा वीडियो है, मास्टर वीडियो, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि उससे आपको एक बार तो पहले मिल जाए कि हाँ हाँ क्या क्या BPSC ने पूछा हुआ है पहले का। ठीक है, उसके बाद से फिर से जो टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके मॉडर्न में हो गए, आपके भूगोल में हो गए, है ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, और इसी तरह जितने भी टॉपिक्स आपको वहाँ GS पार्ट टू वाले में जो दिया हुआ है, जो 150 मार्क्स आपको प्राइमरी टीचर के लिए है, बाकी सब में 50-50 मार्क्स के हैं, लेकिन ये सारे बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए होंगे अगर आपको टीचर का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करना है। तो ये आपको बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, ये आपको हिस्ट्री का बात कर रहे हैं, और ये आपको BPSC के एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, और जो करंट अफेयर भी जो सीरीज़ स्टार्ट होगी वो मेरे दूसरे चैनल पे लगा दी जाएगी उसको, और यहाँ पे भी आपको पोस्ट कर दी जाएगी, उससे आपको दिखाई देगा कि हाँ मैं जो भी बताता हूँ करंट अफेयर वो आपको डायरेक्टली याद भी हो जाएगा। अराउंड 50-60% जो करंट आप देखेंगे आपको उसी समय आपको याद भी करा दिया जाएगा। ठीक है, ट्रिक से जैसा अपने याद करने के दौरान मैं करता था, तो ठीक है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आज स्टार्ट कर लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, कुछ कुछ करके इसको जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाएगा और फिर इसका एक मास्टर वीडियो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? देखिए, पुर्तगाल जब आए तो वहाँ पर प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, यहाँ देख सकते हैं, तो ये हुए हमारे अल्मीडा, ये देख सकते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 से देखिए 1509 में उनका आगमन हुआ। ठीक है, इस बीच में उन्हें पहले वायसराय बने, लेकिन जो पहला जो ओरिजिनल संस्थापक बोला जाता है वो है अल्बुकर्क को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं वह 1505 में भारत पहुँचा कौन,
प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1509 में अल्मीडा ने टर्की गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार किया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इन सब पे भी ध्यान देना है आपको, है ना। जो आपके साइड्स क्वेश्चन इसमें जो है बनते हैं ना, वो चीज़ आपको समझ लेना है कि अल्मीडा ने टर्की गुजरात मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित करके द्वीप पर अधिकार किया था, ठीक है। बात करते हैं, उसने अंज द्वीप में किला बनवाया पुर्तगालियों के हित में, कोचिन की राजगद्दी के उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान किया था। एक पॉइंट यहाँ से ये देख सकते हैं, ठीक है, अंज द्वीप के किला बनवाया था वो, ध्यान रख। बात करते हैं अब हम लोग, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती की, एक सेकेंड, हाँ, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती जो हुई हेतु हुगली में उपयोग कौन करता था। अच्छा, समुद्री डकैती जो हुई होती थी उस समय हुगली में उपयोग कौन करता था, यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन पुर्तगाली ही थे उस समय, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 65वीं में ही आया था, ये देख सकते हैं 65वीं इधर ही आपको 2019 में हुआ था, ठीक है। तो पुर्तगाली द्वारा हुगली में बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए एक अड्डा बनाया गया था, ये इसका अड्डा ये लोग इस्तेमाल करते यही लोग इस्तेमाल करते थे पुर्तगाली लोग, ठीक है, एज उसको अपना एक मतलब अड्डा बनाकर उसको यूज़ करते थे। निम्नलिखित अंग्रेज़ों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बहुत जगह रिपीट हुआ है, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, देख सकते हैं 1995 का क्वेश्चन है, ये बार बार बहुत जगह रिपीट हो चुका है, अदर भी बहुत सारे पीसेस में भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं। खान की उपाधि जब आए थे ना कैप्टन हॉकिंस इनके दरबार में, तब जहांगीर ने इनको खान की उपाधि दी थी कैप्टन हॉकिंस को। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था तथा व्यापारी था, वह बादशाह जहांगीर के इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर वहाँ पर पहुँचा था 1608 में। तो पूछा जाता है कि हॉकिंस पहले आए थे या थॉमस रो करके, है ना, दो लोग आए थे, एक 1608, तो देखिए एच से हॉकिंस हो जाएंगे ना, तो उसको ऐसे करके ऐसे ऐसे नीचे से घेर लीजिएगा। देखिए हर चीज़ को तरीका बना के, आप थोड़ा हिंदी में भी कंफर्टेबल रहिएगा और इंग्लिश में भी रहिएगा, जो भी मैं ट्रिक बताऊँगा ना, तो देखिए पढ़ने में तो आपको दोनों में आ जाएगा, ऑप्शन आपको दोनों में दिखाई देगा, बस आपको समझना है। तो एच को कन्फ्यूजन होती है थॉमस रो में और ये आपको हॉकिंस में, तो हॉकिंस का एच से भी एच इसका जो पोजीशन है वो 8वां नंबर पर है। तो बस 1608 में कौन आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आए थे, ये याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। और इन्हीं को क्या कहा था गया, तो पहली बार ये आए हुए थे तो इन्हीं को खान की उपाधि दी गई थी। किनका पत्र लेके आए थे, तो जेम्स प्रथम, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यान में रहने चाहिए। 16 अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की थी। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब और फिरंगी खां तथा इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, ठीक है। यहीं से आप पकड़ लीजिएगा, फिरंगी खां नया नया पहली बार देख रहे थे, अरे तो ये तो अचंभा हो सबको हो गया कि थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गोरा ये लोग चिट्टा दिखाई दे रहे हैं, तो इसको फिरंगी वहाँ पे बोला गया था, फिरंगी खां। और लैंग्वेज इनकी इंग्लिश थी, इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो अंग्रेजी इंग्लिश खान इनको बोला गया था। और 400 मनसबदारी सिस्टम चलता था इनकी तरफ से, ठीक है, मुगलों में, तो इनको भी 400 मनसब प्रदान किए गए थे। बहुत ज़्यादा इनसे आकर्षित हो गए थे इनकी बात सुनकर, इनकी चीज़ों को देखकर, ठीक है। सॉरी, चलिए बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ये सब आपको पहले ही पता होगा, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे तो आपको आइडिया होगा। सूरत में यहाँ पे इन्होंने किया था, ठीक है। तो सूरत, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है सूरत में मुगल दरबार 1608 में पहुँचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापना अनुमति पाने में सफल नहीं हो पाया था। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बाद कैप्टन मिडल्टन जो है सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के द्वारा शाही फरमान से अंग्रेज़ों ने सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से ही अंग्रेज़ों ने अपना व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर और अजमेर तथा यहीं बात करते हैं आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, यहाँ से याद रखेंगे। कैप्टन मिडल्टन जो है सूरत के समीप में स्वाली पहुँचा और मुगल गवर्नर से वहाँ व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। किसने की थी, तो मिडल्टन ने की थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब आते हैं यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। ये 2 से 3 बार आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो 1632 में थी, ये आप जानते हैं, ठीक है। इसमें ई दे रहा है, एक सेकंड इसको थोड़ा कंफर्म किया जाए।
1638 दे रहा है, नहीं इसको 32 ही बोला गया है। तो इसके दोनों जो ऑप्शन रहे हैं ना पहले भी, आप इसको देखेंगे इसको थोड़ा आप क्लियरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 1632 जो इसमें 65वीं के बाद ये ना 67वीं के अराउंड में भी कुछ ये आया था, और दोनों में 1632 माना गया, ठीक है। तो 1638 में यहाँ पे जो दिया हुआ है एक बार देख लीजिएगा, यद्यपि बिहार लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर 1632 माना था, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो थोड़ा इसको कन्फ्यूजन ना होते हुए इसको ही रहने दीजिए, क्योंकि इसका जो बिहार वाला जो है ना बुक, उस वाले में सब में 1632 ही दिया गया है, इसलिए उस चीज़ को माना गया है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ये देखिए, जब उस समय इन लोगों के बीच में फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में जो है उत्तराधिकार का लड़ाई हो रहा था ना उस समय से ही, तो ये क्या हुआ, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही इनको डर था कि ये भी कहीं अटैक कर सकते हैं, तो इन्हीं लोगों ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कर्नाटक का प्रथम वार जो हुआ था, कर्नाटक प्रथम वार 1746-48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था उधर में, ठीक है, उसका विस्तार मात्र था। उसी का मतलब ये बाहर में, मतलब ये इंडिया में उस चीज़ का वो मतलब समझ लीजिए प्रकोप टाइप का था कि हाँ यहाँ पे भी हम इसको इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे ऐसा करके। तो दोनों में ठनी रहती थी क्योंकि दोनों पावर में उस समय उठ रहे थे, है ना। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज़ कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। इसको यही बोला जाता है कि उस समय कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा जो फ्रांसीसी जहाज थे ना उनका अधिकार कर लिया गया था, उनको कैप्चर कर लिया गया, ठीक है। तो उसी समय से इसको और ये बढ़ावा मिल गया और वहाँ से और सेना भेज दी गई, तो ये कर्नाटक वार वहाँ पे हुआ। प्रथम कर्नाटक वार के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सैनिक को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने का के लिए भेजा था, ठीक है। कैप्टन पैराडाइस के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अद्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। जब यूरोप में बंद हुआ तो इधर भी बंद कर दिया गया, ठीक है। एक्सला चैपले जो यहाँ पर संधि है, एक्सला चैपले संधि, ठीक है, वो जो ट्रीटी हुई थी जो प्रथम जो ख़त्म हुआ था, प्रथम जो यहाँ पर कर्नाटक वार जो इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे कर्नाटक बार बोलते हैं क्योंकि कर्नाटक में ही हो रहा था इसलिए, ठीक है। तो पुराने वाले में देखेंगे तो वहाँ से सी में लिखा हुआ रहता है, CAR ऐसा करके इंग्लिश में जो लिखा हुआ रहता है ना, बाद में क्या वो नाम चेंज होकर कर्नाटक हो गया था, है ना। तो 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, और ये किस पे ख़त्म हुआ, एक्सले चैपले जो संधि हुई ट्रीटी उनके उसकी संधि के बाद इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। तो कौन सा है, सेंट थोमे का जो युद्ध जो यहाँ पे हुआ, तो यहाँ से देख सकते हैं उसके लिए स्मरणीय है, ठीक है। बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होते थे। तो जब अंग्रेज आए तो ना शोरा का सबसे बेहतर उनको जगह वो बिहार ही मिला था, ठीक है। तो बिहार में उन्होंने शोरा की खेती और अफीम की खेती करना शुरू करवा दिया था, और ये सबसे बेस्ट प्लेस बन गया था, तो यूरोप वाले सब यहीं आते थे, ठीक है। तो यूरोपवासी सर्वोत्तम शोरा अफीम बिहार से प्राप्त होता था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको देख लेना है, याद रख लेना है, ठीक है। मैं आपको इसी तरह बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन से भी आपको बता देंगे कि हाँ ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपको अगले जो भी जो सेक्शन बना के आपको दिया जाएगा इसके कंप्लीट होने के बाद, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग। बाद में आपका टेस्ट सीरीज वगैरह भी कुछ कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। बस आपका काम है चैनल से जुड़े रहें, और जो है आपका सजेशन होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर डालें, क्योंकि आपके लिए मैं भी अपने लिए अपने लेवल पे जितना भी कोशिश है अपने लेवल पे जो भी आपके लिए हम कर सकते हैं करेंगे, ठीक है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए, देखिए दोबारा फिर से रिपीट हो गया, अभी हम लोगों ने देखा था बिहार के लिए। चलिए फिर बात करते हैं इलाहाबाद की संधि, देखिए 1765 की बात आ गई। इलाहाबाद की संधि से डेट भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो बनाए गए थे, हाँ दोनों का नाम इसमें मेंशन है, हाँ देखिए एक मोहम्मद रज़ा और सितब राय, ये बनाए गए थे, ये बिहार के बनाए गए थे,
उप दीवान, और ये बनाए गए थे मुर्शिदाबाद, जिसको हम लोग उस समय बंगाल के नाम से जानते थे। यहीं पे देख सकते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी, अगस्त 1765, 12 अगस्त का है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में भी, 12 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट, देखिए भगोड़ा सम्राट बोल रहे हैं क्योंकि अब लास्ट में ये लोग हार गए थे ना, तो उसके बाद ये बक्सर का युद्ध ये लोग हारे थे, तब का ये बात है कि इलाहाबाद की संधि लोग से करवाई गई थी। तो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे उस टाइम, है ना, तो अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया इनको, उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त को फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी। मतलब सारा कंट्रोल इनके हाथ में था, सम्राट के हाथ में था पूरा, शाह आलम द्वितीय के हाथ में था। लेकिन जब जैसे ही युद्ध हार गए तो अब इनके पास कोई उपाय ही नहीं रहा, और अंग्रेज़ को लगा कि एज अ पपेट इनको रखते हैं, इनको तो रखना पड़ेगा ही, तो इनसे अब जो भी है दीवानी के लिए तो कुछ तो वहाँ पे काम करवाने के लिए तो रखना होगा, तो इनको एज ए दीवानी बस जो जो पैसा उनसे लेना था सब कुछ लेके कि हाँ हमको वो एरिया हमको दे दीजिए, हम वहाँ पर सारा चीज़ कलेक्ट करेंगे, तो वो लेकर 26 लाख रुपये इनको देगी, ऐसा करके उन पर रख दिया गया। तथा निज़ाम का व्यय 53 लाख रुपया देगी, ऐसा करके कर लिया, लेकिन अधिकार अपना वहाँ पर स्थापित करना शुरू कर दिया। यहीं से ये चेंज, ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था। इस संबंध इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी, इसलिए थोड़ा बर्डन उन पे ही रखा गया, उनको हटाया नहीं गया, मारा नहीं गया। ऐसा कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान कौन कौन हो गए, मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, याद रखिएगा मोहम्मद रजा खान मुर्शिदाबाद, और बिहार के लिए राजा सितब राय, देखिए राजा सितब राय हो गए बिहार के लिए उपदीवान बन गए उनकी हो गई, और वही मोहम्मद रजा खान बन गए आपके मुर्शिदाबाद के लिए, ठीक, उप निज़ाम की रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था, मतलब जो रिस्पांसिबिलिटी ले रहे थे वो थे कौन, वो इनके पीछे यही थे आपके अंग्रेज़ थे, ठीक है, क्योंकि अब उनको वहां से दिखाई देने लगा कि अब मेरे हाथ में कंट्रोल आ रहा है, लेकिन उसको धीरे धीरे वो कैप्चर कर रहे थे, ठीक है। चलिए अभी 10 क्वेश्चन को ही रखने देते हैं, धीरे धीरे इस चीज़ को और बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको भूगोल वाला भी है वो वाला सबको लाइन से इसी तरह करके कंप्लीट करा दीजिएगा, और कुछ दिन के मतलब 4 से 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर इस चीज़ को कंप्लीट करा के एक मास्टर वीडियो बना के जिसमें सारा का कंपाइल करके एक वीडियो बना के आपका हिस्ट्री का, उसी तरह एक वीडियो बना के आपका ज्योग्राफी का, जो जो उसमें पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको 100-150 क्वेश्चन का आपका प्राइमरी टीचर में इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके लिए बीपीएससी वाले में इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको बिहार पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें और चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करें, ठीक है।